first of all, I'm very happy that we have opened in Mumbai, because Mumbai is a hub of fashion. और हम लोग ने मतलब हर जगह पे हैं मगर मुंबई पे नहीं थे, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस एंड आई फील कि हम लोग एक बहुत अच्छे जगह पे हैं, एक फैशन जो कोर इंडस्ट्री है वहाँ पे हैं. सो बहुत बहुत खुशी है मुझे. जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा नाम अभिनीत है और मैं इंडी सेल्स हेड हूँ इस ब्रांड का, ऑल ओवर इंडिया का सेल्स एंड ऑपरेशन पैन इंडिया देखता हूँ. और जहाँ तक ब्रांड की बात है तो हमने सबसे पहला स्टोर पिछले साल जुलाई में खोला था बैंगलोर में. सो दिस इज़ द 9th स्टोर विच वी हैव ओपन. एंड हमने ऑलरेडी बैंगलोर में हमारे 2 स्टोर हैं, चेन्नई में 1 स्टोर है, लुधियाना में 1 स्टोर है, दिल्ली में 4 स्टोर है, और फर्स्ट टाइम मुंबई में है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि हम फैशन किस टाइप का कलेक्शन है यहाँ पे और डिज़ाइनर की अगर सो कलेक्शन के बारे में कैसा है कि हमारा ब्रांड इंडिया जो है वो आपको इंडो वेस्टर्न है, क्योंकि इट्स मोर फॉर यंग पीपल. एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से लेकर 40 के बीच में है, क्योंकि आजकल के डेट में हम ये देखते हैं कि लोगों के पास टाइम बहुत कम है और हर चीज़ सब कुछ हो गया ऑनलाइन या फिर जल्दी हो गया है. तो हमारा कलेक्शन जो है ओवरऑल आप देखेंगे तो मोर ऑफ ओकेजन वेयर है हमारा, बहुत ज़्यादा शादी के लिए होता है या फिर किसी के मेहंदी के लिए है या फिर कोई रिसेप्शन फंक्शन है उनके लिए. तो हम देखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग कि आप बुटीक में जा रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, उधर में बुकलेट में आप डिज़ाइन देख रहे हो, फिर चूज़ कर रहे हो, फिर आप उनको बनने के लिए दे रहे हो, विच टेक्स 15 डेज टाइम. सो बहुत टाइम लग जाता है एंड पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट सच आउटफिट्स मेड क्विकली. सो वी वांटेड कि वन शॉप सॉल्यूशन रहे जहाँ पे लोग आए और तुरंत खरीदें और तुरंत वो खरीद के मतलब उनका जो है वो फुल रिक्वायरमेंट वो तुरंत फुलफिल हो जाए. सो वी डोंट वॉन्ट कस्टमर्स टू वेट फॉर 10 डेज 15 डेज. एंड प्लस इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो, अगर आप बाहर जाके बुटीक में देखते हैं तो वहाँ पे आपको 6,000 से 8,000 रुपये, 9,000 रुपये पे करना पड़ता है, प्लस टाइम भी लगता है, प्लस आप जो कैटलॉगों में देख के सेलेक्ट करते हो कि मुझे ये डिज़ाइन देखना है. बट यहाँ पे यू कैन ईजिली ट्राई एंड यू कैन बाई कि कौन सा अच्छा लग रहा है आपके कपड़े. सो वी वॉन्टेड आवर कस्टमर्स कि वो लोग तुरंत मतलब इट्स ईजी फॉर देम कि वो आएंगे यहाँ पे. और अगर आप देखेंगे हमारा कलेक्शन इट्स मोर ऑफ इवनिंग वेयर, बुटीक वेयर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे दे कैन वेयर इट ऑन एनी ओकेजन वेयर, इवेंट्स, फंक्शंस एंड ऑल दैट. सो आइडिया इज़ टू मेक कस्टमर वेरी देयर लाइफ वेरी ईजी वेल सेलेक्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करते हैं? सो एज जैसे मैंने बोला कि हमारा जो क्राइटेरिया है मतलब हम टारगेट करते हैं 18 to 40 के बीच में. और जहाँ तक डिज़ाइन की बात आपने पूछी हमसे, तो डिज़ाइन हमारे ये खुद के डिज़ाइन्स हैं, तो हमारा खुद का डिज़ाइन टीम है जो ये R&D करता है और दिन रात मेहनत करके बेसिकली देर ट्राइंग कि हम नए नए डिज़ाइन कस्टमर के लिए निकालते रहें. एंड एवरी टाइम व्हेन कस्टमर वॉक्स इनटू द स्टोर दे गेट समथिंग न्यू. सो एवरी सीजन वी ट्राई टू लॉन्च अराउंड 60 to 70 स्टाइल्स. प्राइस की बात करें तो ज़्यादातर कस्टमर के सबसे पहले अगर शॉपिंग की बात आती है तो प्राइस ध्यान रखना. तो प्राइसिंग जैसे हमने बताया कि बाहर में लोग अगर इस टाइप के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको 10 से 12 हज़ार रुपये लगते हैं, टाइम लगता है, प्लस उनको श्योर नहीं रहता है कि कितना कैसा लगेगा. तो प्राइसिंग में तो प्राइस जैसे आपने बोला कि बहुत की फैक्टर है और वो हमारे लिए भी बहुत की फैक्टर है. और हम चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में मिले. सो हमारा प्राइस रेंज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 एंड मैक्सिमम इज़ 4 to 4500. तो यहाँ पे उनको पूरा आउट, तो बिकॉज ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है एंड वी रियली वांट टू गिव द बेस्ट प्राइस टू द कस्टमर विद द बेस्ट क्वालिटी एंड विद द बेस्ट डिज़ाइन. सो प्राइस हम लोग बहुत रीजनेबल रखना चाहते हैं ताकि कस्टमर उसको इजीली अफोर्ड कर सके. ये नहीं कि सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट वाले ही अफोर्ड करें, मीडियम सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट सबको अफोर्ड कर सके. सेलिब्रिटी की अगर बात करें तो किसी को आपने हायर किया है या हायर करने वाले पूछे? सो राइट नाउ हमने किसी को नहीं किया है हायर, बट ऑफकोर्स हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं बिकॉज हमको लगता है कि ब्रांड को ज़रूरत है, बहुत अच्छा कर रहा है ब्रांड. तो ऑफकोर्स वी आर इन टच एंड होप शो कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो ज़रूर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ कि हमारे पास सेलिब्रिटी है ये. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.